दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में सोमवार को उच्च शिक्षा में अध्यापकी की भूमिका विषय पर दीक्षांत समारोह सप्ताह के अंतर्गत शिक्षा संकाय द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यान के माध्यम से विशेष चर्चा किया गया। व्याख्यान में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग प्रोफेसर सुधांशु भूषण, प्रोफेसर उदय सिंह, प्रोफेसर ओपी पांडे सहित अन्य शिक्षकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षिका और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आपके पूरे प्रांत में यहाँ का पंजाबी सबसे अधिक सक्रिय रहा है और उसने पूरे लॉ इकोनॉमिक से किया है और पीएचडी द्वारा विश्वविद्यालय से किया है। दिल्ली में निपा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शिक्षा के अध्यक्ष मंत्रालय को और यूजीसी को सुझाव देने का, परामर्श देने का, दिशा निर्देश देने का कार्य आप करते हैं। इस महीने में हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो जिन व्यक्ति के हाथ में यूजीसी और एमएचआरडी की पॉलिसी निर्धारण का जिनकी भूमिका रखी है वो हमारे आपके सामने उपस्थित है। संपादक मंडल परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे हैं। चूंकि अभी नया इश्यू आया हुआ था अगस्त का, तो उसके विमोचन की बात मन में आई जिसको हम यहाँ पे नहीं रोक पाए क्योंकि अब तो लेक्चर शुरू होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूँगा मंच अतिथियों से कि इस शोध पत्र का विमोचन कर विभाग को नियंत्रण के अधीन नहीं रहना, स्टेट के नियंत्रण के अधीन नहीं रहना,
हमें यूजीसी के नियंत्रण में नहीं रहना, हमें एक स्वतंत्र चिंतक के रूप में रहना है और तभी हम ज्ञान का उत्पादन कर सकते हैं, ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। यह एक आदर्श है। वास्तविक सच्चाई ये है, यह आदर्श स्थिति हमें कभी नहीं, वास्तविकता यह कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक शिक्षक यह महसूस करता है कि हमें आज स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम राज्य के नियमों के अधीन हैं, हम यूजीसी के रेगुलेशंस के अधीन हैं और हमें अधीन रहना चाहिए। शायद जब तक राज्य की सत्ता को हम सबसे सर्वोपरि सत्ता मानते हैं, एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं, तब तक हम उनके अधीन रहें। लेकिन उसके अधीन रहने से जो एक छटपटा होती है शिक्षकों की, कि शिक्षकों को एपीआई का ये स्कोर पूरा करना है, दूसरी तरफ 16 घंटे या 14 घंटे का टीचिंग वर्क करना है और उसके बाद रिसर्च भी करना है, तो यहाँ पर सामंजस्य स्थापित करने में वास्तविक यथार्थ में अगर देखें तो काफी